नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जब रविवार को नई दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एच जयशंकर एयरपोर्ट पर खड़े थे। भूटान दो ताकतवर पड़ोसियों चीन और भारत के बीच बसा एक छोटा सा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत और चीन दोनों के लिए खास बना देती है। भूटान नरेश का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर फिर से बातचीत की है। ऐसे में दौरा और भी अहम हो जाता है। पिछले महीने चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 25वें दौर की बातचीत हुई। जलवायु, ध्वनि व भूमि प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक खाद्य असुरक्षा, संघर्ष और अन्य विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण हो रहा विस्थापन व पर्यावरण की लगातार खराब होती गुणवत्ता कुछ ऐसे कारण हैं जो अनेक क्षेत्रों में गंभीरतम पारिस्थितिकी संकट खड़ा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 2.8 अरब से अधिक लोगों को गंभीर पारिस्थितिक खतरे वाले क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में 1.8 अरब लोग गंभीर पारिस्थितिकी खतरों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन योजना 13 नवंबर को फिर से शुरू होने वाली है और यह निवासियों के बीच काफी उत्साह पैदा कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सड़क पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करके शहर की लगातार वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। जैसे जैसे शहर इस बदलाव के लिए तैयार हो रहा है, एक पहलू जिसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है वह इस प्रयास को सफल बनाने में किफायती इलेक्ट्रिक कारों की भूमिका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों का नाम बदल चुकी योगी आदित्यनाथ सरकार अब एक और जिले का नाम बदलने जा रही है। सरकार ने इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। यहां तक कि नगर निगम से शहर का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भी पास करा लिए गए हैं। दरअसल यह हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के काफी प्रसिद्ध और पुराने जिले अलीगढ़ की। अलीगढ़ जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम से पास हो चुका है। बस अब केवल प्रस्ताव के फैसले पर प्रशासन की मुहर का इंतजार किया जा रहा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंगलवार को अपर्याप्त मुआवजे के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ जारी करते हुए कहा कि फ्लाइट में व्यवधान की स्थिति में यात्रियों को उचित सुरक्षा प्रदान करें। नियामक ने एक बयान में कहा, DGCA यात्रियों के अधिकारों को लगातार मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी मानता है कि एयरलाइन सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियों में काम करे। टीबी सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी अंग में हो सकती है। एम्स के मुताबिक भारत में टीबी के कुल मरीजों में से 1/4 से ज्यादा एक्स्ट्रा प्लोमरी टीबी के केसेस आते हैं। इस केस में फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंगों जैसे किडनी, पेट, हड्डी, रीढ़, दिमाग वगैरह में टीबी की बीमारी पाई जाती है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि भारत में जागरूकता के अभाव में कई बार एक्स्ट्रा प्लोमरी टीबी के मामलों की पहचान नहीं हो पाती है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो विवाद के बाद अब मोदी सरकार एक्शन में आ गई है, जिसके तहत बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है और मौजूदा एडवाइजरी को दोहराया है। सरकार ने कंपनियों से IT इंटरमीडिएट रूल्स का सख्ती से पालन करने का कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने का प्रस्ताव रखा है। EWS के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए प्रस्तावित आरक्षण के बारे में कहा कि SC 20%, ST 2%, OBC और EBC के 43% के साथ EWS 10% आरक्षण किया जाना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय गणना के तहत सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद कहा कि आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, केंद्र सरकार विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सदन में संबोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जातीय गणना रिपोर्ट का समर्थन भाजपा ने मजबूरी में किया है। मंगलवार को विधानमंडल परिसर में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि रिपोर्ट के बाद कौन सी जाति की क्या आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, सब कुछ सामने आ गया है। केदारनाथ से रवाना होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वेटिंग रूम में देश के दो बड़े गांधी भाइयों की मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अपने चचेरे भाई एवं भाजपा नेता वरुण गांधी से अचानक भेंट हुई और दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ दर्शन को पहुंचे थे, जबकि वरुण गांधी मंगलवार को यहां आए। राहुल केदारनाथ से रवाना होने को हेलीपैड की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर BKTC के वेटिंग रूम के बाहर खड़े वरुण गांधी पर पड़ी। राहुल ने फिर वरुण से मुलाकात की। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि साल 2021 से सितंबर 2023 के बीच भारत के खिलाफ विदेशी सरकार प्रायोजित साइबर हमलों में 278% की वृद्धि हुई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्मों सहित सेवा कंपनियों में हमलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक देखी गई है। इस अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों पर लक्षित साइबर हमलों में 460% की वृद्धि हुई है, जबकि स्टार्टअप और छोटे और उद्यम में 508% की भारी वृद्धि देखी गई है।
पांच राज्यों में जारी चुनाव के बीच सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की डिमांड काफी बढ़ गई है। केंद्र और राज्यों की ओर से दी जा रही सब्सिडी से हाल के महीनों में रसोई गैस सिलेंडर की मांग को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है केंद्र सरकार की ओर से 9.6 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर और बाद में 300 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद सितंबर में औसत रोजाना रिफिल 11 लाख को पार कर गया। हालांकि अक्टूबर के महीने में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और औसत प्रतिदिन 10.3 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। दिवाली से पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते बच्चों से लेकर बड़ों तक सांस लेने में परेशानी हो रही है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार सुबह पंजाबी बाग का AQI 460, आनंद विहार का 452, ओखला में 426, ITO में 413 और RK पुरम का 433 दर्ज किया गया है। गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बी चंद्रशेखर को मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। चंद्रशेखर 2000 बैच के IPS अधिकारी है। वह CBI में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ बातचीत में युवा भारतीय पेशेवरों के एक समूह ने संकाय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए दोनों देशों के बीच आवाजाही को सुगम बनाने के साथ साथ छात्रों को एक साथ आकर पढ़ने व शोध कार्यों के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। यंग प्रोफेशनल इन साउथ एशिया पॉलिसी के सहयोग से भारतीय दूतावास ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारत के शीर्ष राजनयिक के साथ पेशेवरों के समूहों ने अपने महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखा। पाकिस्तान में एक विशेष अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ राजनयिक गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष अदालत ने न्यायाधीश अबुल हसन जुलकर मैनान के रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाल जेल में मुकदमे की सुनवाई की। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख 26 सितंबर से इस जेल में बंद है। उन्हें अटक कारावास से अडियाल जेल में स्थानांतरित किया गया है। गूगल अपने क्रोम यूजर्स के लिए अलग अलग फीचर्स को पेश करते रहता है। इसी कड़ी में यूजर्स की सुविधा के लिए कंपनी ने एक और नया फीचर पेश किया है। कई बार एक समय पर बहुत सारे टैब्स पर काम करने के साथ स्लो डाउन और क्रैशिंग की परेशानी आती है। ऐसे में मेमोरी यूजर्स की जानकारी के साथ यूजर टैब्स को पहले से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेगा। किसी खास स्थिति में मेमोरी यूजर्स के साथ कम जरूरत वाले टैब्स को यूजर को क्लोज कर सकता है। रेव पार्टी स्नैक वेनम और एल्विश कनेक्शन को लेकर तफ्तीश तेज हो गई है। एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों से बरामद 9 में से 5 को बड़ा की विष ग्रंथि निकल गई, यह खुलासा मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। डिप्टी CVO के नेतृत्व में गठित टीम ने मेडिकल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सांपों की विष ग्रंथि निकलना क्रूरता की श्रेणी में आता है। दो सिद्ध होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बाकी बचे 4 सांप विषैले नहीं मिले। न्यायालय की अनुमति के बाद सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए ऐसी टिप्पणी की थी, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। अब खुद नीतीश कुमार ने अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणी की इतनी निंदा हो रही है तो मेरी बात गलत है, तो मैं आपसे अपनी बात को लेकर माफी मांगता हूं। अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग रहा हूं। नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर BJP उन पर हमलावर हो गई है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने लोन के लिए ब्याज दर में मामूली इजाफा किया है। बैंक ने लोन की ब्याज दर का 0.05% से बढ़ा दिया है। यह वृद्धि चुनिंदा कर्ज अवधि के कर्ज के लिए ली गई है। बैंक के संपत्ति जवाबदेही समिति की बैठक हुई। बैठक में कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.05% बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस ब्याज दर में इजाफा करने के साथ ही लोगों को अब लोन पर एक्स्ट्रा ब्याज चुकाना होगा। नीतीश सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट से यह पता चला कि बिहार में 94 लाख परिवारों की एक दिन की कमाई सिर्फ 200 रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 2.97 करोड़ गरीब परिवार हैं। इनमें से 94 लाख से अधिक की मासिक कमाई 6000 रुपए या उससे कम है। ऊंची जातियों का भी बुरा हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 25% से अधिक उच्च जातियां हर महीने 6000 रुपए या उससे भी कम कमाती है। बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव पर कुछ दिनों पहले पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था। वहीं अब मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब इस केस में बिग बॉस OTT 2 के एक और कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है। सांप कांड केस में एल्विश के साथ उनके दोस्त ने बिग बॉस OTT 2 रनर अप मनीषा रानी का नाम भी घसीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। दरअसल ये दावा एक्टर फैजान अंसारी ने किया है। इस दौरान फैजान अंसारी ने दावा किया है कि मनीषा रानी भी एल्विश के साथ रेव पार्टी जाती थी। इस केस में एल्विश के साथ मनीषा रानी भी शामिल है। एक तरफ दिल्ली जहां प्रदूषण ने लोगों को तबाह किया है, वहीं दूसरी ओर बिहार के भी कई शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। राजधानी पटना की हवा उसी श्रेणी में पाई गई जो दिल्ली की है। महज 7 दिनों के अंदर पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 अंक के ऊपर पहुंच गया। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों की हवा खराब हो चुकी है। प्रदूषण के इस प्रकोप को रोकने के लिए पटना के सभी वार्डों में अब नगर निगम की टीम बनाई गई है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में अब लोगों को तकलीफ होने लगी है।
पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने सीएम की कांग्रेस के प्रति नाराजगी पर बयान दिया है। आनंद मोहन ने कहा कि सीएम नीतीश ने बीते एक साल में पूरे देश भर का दौरा किया और घूम घूम कर विपक्षी एकता को मजबूती दी है। उनकी वजह से ही इंडिया गठबंधन बना और सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आए। वहीं जिस सीएम ने सभी पार्टियों को एकजुट किया और विपक्षी एकता को ताकत दी, उसकी गति में ठहराव आ गया है। हमास और इसराइल के बीच जारी जंग को एक महीना हो गया है। इस लड़ाई के बाद दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है। इस दुनिया के कारण न केवल लोगों की मौत हो रही है, वहीं इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। वैश्विक विश्व बैंक भी इसे लेकर चेतावनी जारी कर चुकी है। इस बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। क्रिसी लोटिंग्स ने कहा है कि इस जंग का असर अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था पर नगण्य प्रभाव पड़ा है। इसका साफ संकेत है कि भारतीय कंपनियां फिलहाल निशाने पर नहीं है। सरकार ने उड़द और अरहर दाल की भंडारण सीमा बढ़ा दी है। अब बड़े व्यापारी 50 टन की जगह 200 टन तक दाल का भंडारण कर सकते हैं। खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा 5 टन ही रहेगी। बड़ी फूड चेन वाले सभी आउटलेट दोनों दालों का 5 टन तक प्रत्येक का भंडारण कर सकते हैं। डिपो पर अब 200 टन दाल रखी जा सकेगी। मिल मालिक पिछले 3 महीने का उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25% दोनों में से जो ज्यादा हो रख सकेंगे। भारतीय थल सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर अपने सैन्य अभियानों के लिए एविएशन ब्रिगेड की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। एविएशन ब्रिगेड सैन्य इकाइयां हैं जो सैन्य हेलीकॉप्टरों को तैनात करती है। उनमें हमले टोही हेलीकॉप्टर, मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और मिड इवेक क्षमता शामिल हो सकती है। हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों का पहला जंगी बेड़ा विकसित कर तैनात और अभियानों में शुमार किया जा चुका है। वैज्ञानिक एक नए कोविड-19 वेरिएंट को लेकर बेहद परेशान है, जिसमें वैक्सीन प्रतिरक्षा से बचने की ताकत है। नए सार्स कोव 2 वेरिएंट JN.1 की पहचान शुरुआत में 25 अगस्त 2023 को लग्जमबर्ग में की गई थी। इसके बाद यह इंग्लैंड, आइसलैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित वैक्सीन बूस्टर ज्यादातर XBB.1.5 वेरिएंट को टारगेट करते हैं। हालांकि HV.1 जो ज्यादा पुराना वेरिएंट नहीं है, में पहले की तुलना में कुछ अंतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक JN.1 जिसे चालाक स्ट्रेन माना जाता है, एक से होने के बावजूद बहुत अलग है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उस आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग ली है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा ने उनके बयान की तुलना सी ग्रेड की हिंदी फिल्मों से की है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे, उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है। लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है, बिहार स्पीकर के खिलाफ एकदम कदम उठाना चाहिए। सांपों के जहर की सप्लाई और रेव पार्टी के मामले में घिरे बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए। DCP नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि एल्विश यादव सांप के जहर मामले में देर रात पुलिस के सामने पेश हुए। पुलिस ने उन्हें दोबारा बुलाया है। सेक्टर 20 थाने में पुलिस ने उसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। एल्विश मीडिया से बचने के लिए गुपचुप तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है गुड़िया कुमारी मौर्य, धनंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।